resolution. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सप्रदान्तिकम् आत्मानस्तीर्णं दन्तैरीतं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपदां भोजधूतिश्यां मम जन्मनि जन्म आज श्री रूप गोस्वामी का वीरा तिथि है। श्री रूप गोस्वामी का अवदान विश्व में एक अभिनव है। पूर्व लीला में वे श्री रूप मंजरी थे और उन्होंने राधा जी की दासी होकर के जिस प्रकार से उनकी और जुगल की सेवा की थी, इसलिए मंजरियों में दासियों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उन्होंने रूप मंजरी जी के लिए लिखा है, तांबुलार्पण पाद मर्दन पयो दाना विशारादि वृंदारण्य महेश्वरी सकृतज्ञस्तोषयन्ति प्रिया प्राण प्रेषकी किलादपि असंकोचिता भूमिका श्री रूप मंजरी मुखा तद्दासिका। मैं श्री रूप मंजरी की बार बार चरणों की धूली में प्रणाम करता क्यों, जहां पर की ललिता विशाखा इत्यादि सखियों का प्रवेश नहीं है अबाध गति से, वहां पर असंचो रूप में लज्जा रहित होकर के और राधा कृष्ण जुगल की सेवा करती हैं। इसलिए रूपमंजरी का वैशिष्ट बहुत अधिक है। किंतु वही जब चैतन्य महाप्रभु जी के पारिकर के रूप में जब प्रकट हुए, तब उन्होंने जो कुछ दिया वो जगत के लिए परम कल्याणकारी है। रूपमंजरी ने हमको ये नहीं कहा कि रूपमंजरी का भाव कैसे प्राप्त हो सकता है, किंतु रूप गोस्वामी ने इसे दिया ये कैसे हो सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वो भाव देने के लिए प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, अनर्पित चरिन चिराग करुणावतीर्ण करो समर्पित मुन्नत शाम सरभक्ति श्री हरि हपूर सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुरत। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया इस मंत्र में कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शक्ति का संचार करके कृपा करके उन्नत उज्ज्वल रस के श्री शोभा को जगत में देने के लिए वही श्री कृष्ण राधा भाव कांति द्युति लेकर कृष्ण स्वरूप होकर के भी श्री सचिनंदन को हुए किस लिए आए हैं, करुणा करुणा करके क्या करने के लिए, उन्नत उज्ज्वल पारखीय भाव को देने के लिए, उसकी शोभा को देने के लिए वो जगत में, शोभा माने मंजरी भाव और उन्नत उज्ज्वल माने परखीय भाव, ये सब दिया उन्होंने उज्ज्वल ग्रंथ में भक्त स्वामी सिंधु में विदग्ध और ललित माधव नाटकों में और सब तरफ सर्वत्र ही उप गोपियों के उपपति भाव का प्रतिपादन किया है। इसलिए उन्होंने ये बतलाया कि राधा जी की दास्य भाव कैसे प्राप्त हो सकता है, ये अपने ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया है। इस उनके अवदान के लिए
जगत ऋणी रहेगा, विशेष करके हम उनके संप्रदाय के लोग सब समय ऋणी रहेंगे, कभी ऋण उससे उऋण नहीं हो सकते। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि चैतन्य महाप्रभु और नहीं राधा कृष्ण के स्वरूप है या कृष्ण के स्वरूप है। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन दिया षटपुंज रूप में, रामानंद को रसराज महाभाव के रूप में, और तपन मिश्र को उन्होंने दर्शन दिए कृष्ण के रूप में, और तार्किक ब्राह्मण इत्यादि को दिया था, किंतु महाप्रभु जी ने उनको मना कर दिया था कि हमको भी प्रकट मत करना। इसलिए उन महापुरुषों ने स्वरूप दामोदर जी भी जानते थे, किंतु किसी महापुरुष ने यह नहीं बताया कि कृष्ण स्वरूप ये सच्चिदानंदन गौ है, किंतु उन्होंने बतलाया कैसे, उन्होंने बतलाया अनर्पित चरण चिराग करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नतो जलरसांश भक्ति प्रिय हरि अपूरण सुंदर द्युत कदंब संदीपित। जो तीन लोभों से कृष्ण ही राधा जी की भाव और कांति लेकर जगत में कृष्ण स्वरूप होकर के भी सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकटित हुए, क्यों, वही औपत भाव देने के लिए वो प्रकट हुए थे। यह सुनकर के महाप्रभु जी बोले पुरी में वैष्णव की सभा में, वर्णन किया किंतु जिस प्रकार से दुग्ध में अमृत कलश में एक सूरा बूंद भी पड़ जाए तो वो सब बेकार का हो जाता, ऐसा ही तुम्हारा। और रामानंद ने कहा क्या, और ये तो खाना दूध है घन, बहुत सुंदर स्वादिष्ट, और उसमें कर्पूर थोड़ा सा दे दिया, वैसे हो गया। फिर उन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव नाटक में भी ऐसे ही लिखा कि जो कृष्ण थे वही राधा जी का भाव कांति लेकर के अब महाविप्रकुल में चैतन्य महाप्रभु है। सुनकर के महाप्रभु बोले तुम्हारा काव्य तो बहुत उच्च कोटि का है, किंतु अत्यंत अधिक स्तुति तुमने की। तो वैष्णव ने कहा स्तुति नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ कहा स्तुति नहीं की बल्कि जगत में इन्होंने प्रकट किया आपके भाव को। वो यदि नहीं आते जगत में तो क्या होता, यदि गौर यदि रूप ना आशी तो केमो ने थरी दाम दे राधा भाव महिमा रस सीमा जाना ही तो के। इसके बाद और ओ जानत वृंदावन, ओ जानत मथुरा वृंदावन, ओ जानत से ब्रजरीति, ओ जानत राधा माधव, ओ जानत से प्रीति। ये रूप गोस्वामी नहीं रहते तो ये सब कुछ धरा रह जाता, महाप्रभु का आना कोई जानता ही नहीं, महाप्रभु किस लिए, या महाप्रभु ये कृष्ण स्वरूप ही है, राधा और कृष्ण स्वरूप है, कोई नहीं जानता। और एक बात उन्होंने जब की अद्भुत, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन पूजन, महाप्रभु के मनोभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया। कैसे पूर्ण किया, क्या पूर्ण किया, चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में प्रकट करने के दो उद्देश्य थे। एक तो राधा जी के
प्रणय भाव को प्रेम रस वो राधा या प्रणय महिमा ये तीन रस जो कृष्ण की माधुरिमा है कैसी है, राधा जी को कैसे सुख होता है उस माधुरियों का स्वादन करके, ऐसे ही तीन है। इसके लिए वो राधा जी का भाव कांति लेकर के जगत में आए और प्रचार किया इसका। वो है क्या, मधुर रस या श्रृंगार रस का औपपत्य भाव, उपपति भाव। हमारे रामानुज संप्रदाय में, मध्य में, विष्णु इत्यादि संप्रदायों में साधारण लोग भी, विद्वान लोग भी इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु रूप गोस्वामी ने शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर और युक्ति प्रबंध युक्तियों के बल पर यह स्थापित किया जी नहीं, यह लौकिक लोगों के लिए लौकिक जगत में यह अत्यंत घृणास्पद और नरकगामी है। कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से उपपति का भाव रखे, यहाँ तो ठीक है, किंतु यहाँ पर परब्रह्म सर्वशक्तिमान अखिल रसामी सिंधु कृष्ण ही नायक है और उनकी स्वरूप शक्ति और उसकी स्वरूप शक्ति की कला, कला माने राधिका जी के आप प्रकाश जो गोपियां हैं, निज रूप तया कला भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर ये एवं निज रूप तया कला भी, ये निज माने कृष्ण उनकी कला अर्थात उनकी स्वरूप शक्ति के प्रकाश है। कौन, ये गोपियां। तो जहां ये गोपियां नायिका है, कृष्ण नायक है, वहां पर यह दोषण यह कदापि नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे जो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्म में निष्ठ थे, वो श्रीमद् भागवत में कैसे बोलते कहते। पहले तो ये जब रासलीला में सब गोपियां आई तो कैसे आई इसका वर्णन किया, वर्जमाना थे पति भी पुत्र बांधव, वो गोपियां अपने पतियों को परोस रही थी भोजन, उसको छोड़कर कहीं चल पड़ी। दूसरी बात, जिनके पतियों ने रोक लिए कृष्ण के पास नहीं गई, वो ध्यानमग्न होकर के और फिर वहीं पर कृष्ण में सबसे पहले पहुंच गई, वहां रासलीला में। कृष्ण ने और भी कहा, गोपियों देखो हमारे पास आ गई, ठीक है हमारा दर्शन कर लिया, घर में लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। पति यदि लंगड़ा लूढ़ा कुबड़ा निर्धन जैसे भी हो, रोगी भी हो, स्त्रियों को अपने पतियों को छोड़ करके दूसरों पतियों के पास में जाने से पाप लगता है, तुम लोग लौट जाओ, ऐसा कृष्ण कहते थे। हम और भी पति सुतान नया रात्रि बंधवान अति विलंगते अंत अद्भुतागता, अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के समीप में चली गई। आसाम हो चरण रेण युषाम हम श्याम वृंदावने गुम गोल मल्लतौषदीना जन दुस्तजन सजन आर्यपथम, माने क्या, अपने पतियों को छोड़कर के भी कृष्ण के पास में चली गई, किसी की परवाह नहीं की। न पारे हम निर्वध्य संजुजा सुसाद कृत्यांग विभुज आयुषा विभव मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, दुर्जर गृह श्रृंखला क्या, अपने पतियों को छोड़ दिया, गुरुजन क्या कहते हैं वो भी, लोक लज्जा सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में चली गई, इसलिए मैं तुम्हारा हे गोपियों ऋण नहीं चुकाने। और भी थोड़ा सा हम पीछे कभी वहां पर बोलेंगे, अब संक्षेप में केवल बतला रहा हूं। और उन्होंने किया एक बात, भक्ति की परिभाषा दी, श्रद्धा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी, रति किसको कहते हैं, समस्त भक्ति के स्तरों को, प्रेम किसे कहते हैं,
अनुराग किसको कहते हैं, महाभाव किसको कहते हैं और अंत में मदानाख्य भाव किसको कहते हैं, सबकी परिभाषा है। जैसे अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान करना है। और श्रद्धा के लिए क्या कहा, श्रद्धा तो अन्नो पाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। साधन किसको कहा, कृति साध्या भवे साध्य भाव साधना विधा नित्य सिद्ध भाव से रति या भाव किसको कहा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजान सुसाम विभाग रुचि चित्तम आश्रय। प्रेम किसको कहा, ध्वंस सर्वथा ध्वंस कारणे ध्वंस कारणे जद भाव बंधन गुणो, सब प्रकार के ध्वंस होने का प्रेम कारण रहने पर भी यदि वह प्रेम बढ़ जाता है तो ये प्रेम है। और क्या, जब भाव अपने प्रेम अत्यंत ऊपर की अवस्था में आ जाता है तो चित्त को वश कोमल कर देता है और उस समय कृष्ण की ममता अत्यंत अधिक आ जाती है, तब वो प्रेम कहलाता है। भीष्म द्रोण भीष्म अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, कृष्ण में अनन्य ममता होगी संसार भूल जाएगा, तब अनन्य ममता होने पर यही प्रेम कहलाता है। भीष्म उद्धव नारद सब महात्माओं ने कहा है और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, ये तो हमको मना कर रहे हैं कृपा करके। इसलिए रूप गोस्वामी की महिमा का था पाना समुद्र की पानी के कणों को गिन लेना आकाश में तारों को गिन लेने के समान है। इसके संबंध में हम लोग मठ में जो सभा होगी उसमें हम उसका विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। आप लोग सभा में सभी योगदान करेंगे, अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं।